गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले लेसन में हमने देखा कि टू डिजिट नंबर्स को टू डिजिट नंबर्स के साथ किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं इन दिस लेसन अभी हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवाइज करते हैं जो हमने पिछले लेसन में देखा था कि टू डिजिट नंबर्स को टू डिजिट नंबर से वर्टिकली किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने देखा था 67 सेवन मल्टीप्लाईड बाई नाइन्टी किस प्रकार से किया जाता है सो so, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से सो वी विल राइट दिस कैरी ओवर ऑफ यूनिट प्लेस हियर यहाँ पे हम लोग नीचे उसको लिखेंगे कैरिड ओवर जो भी आएगा यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नीचे लिखेंगे और जो कैरी ओवर बाद में टेंस प्लेस से करेंगे वो ऊपर लिखेंगे सो मल्टीप्लाई सेवन इन यूनिट प्लेस बाई टू वी ट द आंसर टू सेवन टू सेवन ज फोर्टीन सो हमारा आंसर आया फोरटीन सो फोरटीन यूनिट्स माने होता है फोर यूनिट्स और वन टेंस तो हम लोग वन को कैरी ओवर ले जाएंगे वन uh, को हम लोग टेंस कॉलम में कैरी ओवर ले जाएंगे देन वी विल मल्टीप्लाई टू विद द सिक्स इन टेंस प्लस सो वी मल्टीप्लाई टू विद दिक्कस टू सिक्स आर ट्वेल्व सो ट्वेल्व तो हो गया और हमारा वन कैरी ओवर है सो वी विल राइट थर्टीन इन देंस सो द प्रोडक्ट इज ट्वेल्व एंड वी हैव वन कैरी ओवर सो बाई एडिंग वी गॉट थर्टीन लेकिन थर्टीन टेंस माने होता है थ्री टेंस और वन हंड्रेड सो वी विल राइट दैट कैरी ओवर वन टू दंड्रेड कॉलम सो वी गॉट द आंसर वन हंड्रेड एंड थर्टी फोर नेक्स्ट अभी हमने यूनिट uh, प्लेस से मल्टीप्लाई कर लिया तो हम लोग यहाँ कैरी ओवर लिखे अब हम टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करने वाले इसके लिए हमने यहाँ पे एक कॉलम बना दिया और ऊपर लिखेंगे और जो आंसर आएगा वो भी हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे सो so, हमने यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर दिया इसके लिए हम लोग यूनिट प्लेस में ज़ीरो लिखेंगे देखो हमारा यूनिट प्लेस से मल्टीप्लीकेशन होने के बाद यहाँ पर जीरो लिखना ज़रूरी है सो नाव वी विल मल्टीप्लाई नाइन विद द सेवन सो so, नाइन को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया नाइन सेवन सिक्सटी थ्री तो सिक्सटी थ्री में को हम लोग यहाँ लिखेंगे लेकिन सिक्सटी थ्री टेंस माने होता है थ्री टेंस एंड सिक्स हंड्रेड सो वी विल राइट सिक्स टू द कैरी ओवर इन हंड्रेड्स कॉलम सो हंड्रेड्स कॉलम में हमारा गया देन वी विल मल्टीप्लाई नाइन विद दिक्स नाइन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आया नाइन जा फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर और कैरी ओवर में सिक्स है सो वी गॉट द आंसर सिक्सटी सो सिक्सटी हंड्रेड्स माने होता है जीरो हंड्रेड्स एंड सिक्स थाउजेंड सो वी विल टेक दैट सिक्स कैरी ओवर टू द थाउजेंड्स कॉलम सो वी गॉट द आंसर सिक्स थाउजेंड एंड थर्टी सो वी विल एड दिस

टू डिजिट नंबर का टू डिजिट नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन देन हमने देखा कि लैटिस मेथड से कैसे करते हैं वर्टिकल मेथड से कैसे करते हैं अब हमको देखना है वर्ड प्रॉब्लम सो वी विल सी द द क्वेश्चन फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ थ्री शर्ट्स कॉस्टिंग रुपीज फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव एक शर्ट की कीमत फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव रुपीज है तो तीन शर्ट की कीमत कितनी होगी यह हमको ज्ञात करना है तो अभी हमने देखा था कि इफ वी नो द वैल्यू ऑफ वन

195. What is फाइव इज दूसरा हम लोग क्या देखते हैं What इज आस्क क्या पूछा है द टोटल कॉस्ट ऑफ थ्री शर्ट्स सो फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 495 with three. Method मेथड क्या यूज़ करेंगे हम लोग Multiplication. हम लोग एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं बट वी विल यूज़ So सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट इन boxes. वर्टिकली हमको उसे लिखना है फिर थ्री फाइव जिफ्टीन देखो थ्री से हमने देखा था यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को थ्री फाइव जा फिफ्टीन सो फिफ्टीन यहाँ पे लिख दिया फ़िफ्टीन में से फाइव फिफ्टीन यूनिट्स माने होता है फाइव यूनिट्स और वन टेंस सो वी विल राइट दैट वन टू कैरी ओवर देन हमारा थ्री से नाइन को मल्टीप्लाई करना है थ्री जा ट्वेंटी सेव ट्वेंटी सेवन प्लस वन हो गया ट्वेंटी एट सो ट्वेंटी एट टेंस माने होता है एट टेंस सो so एट को हम लोग टें कॉलम में रखेंगे एंड टू हंड्रेड्स सो टू को हंड्रेड्स के कॉलम में कैरी ओवर ले जाएंगे देन थ्री फोर्जा ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू वी गॉट फोर्टीन सो वी विल राइट फोरटीन सो फोरटीन हंड्रेड्स माने होता है फोर हंड्रेड एंड वन थाउजेंड सो वी विल राइट देट वन इन टू थाउजेंड्स कॉलम एंड वी गॉट द आंसर वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट्टी फाइव इस प्रकार से हमें उसे सॉल्व करना है सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में तीन चीज़ें हमको देखनी होती है गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है क्या पूछा गया है और क्या मेथड हम लोग उसके लिए यूज करेंगे और लास्ट में हम लोग आंसर्स लिखते हैं सो देअर फॉर द कॉस्ट ऑफ थ्री शर्ट इज़ वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट्टी फाइव तो चलो हम और एक सवाल देखते हैं वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अमीना बाई बॉट सिक्स कैरेट्स ऑफ एप्पल ईच कॉस्टिंग रुपीज थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव हाउ मच डिट शी पे ऑल टुगेदर सो वॉट इन्फॉर्मेशन इज गिवन वी हैव द नंबर ऑफ कैरेट्स एंड वी हैव कॉस्ट ऑफ ईच कैरेट सो वी गॉट कॉस्ट ऑफ वन कैरेट ऑफ एप्पल इज थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव रुपीज एंड टोटल नंबर ऑफ कैरेट्स आर सिक्स सो वॉट इज आस्क क्या पूछा गया है हाउ मच शी पे ऑल टूगेदर यानि वो सिक्स कैरेट्स के लिए कितना पे करेगी सो दैट इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ सिक्स कैरेट्स सो वी विल मल्टीप्लाई दिस सो वॉट मेथड वी विल यूज वी विल यूज मल्टीप्लीकेशन मेथड सो हमने यहाँ एक बॉक्स लिया जिसमें हमने मल्टीप्लीकेंट और मल्टीप्लायर लिख दिया है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई सिक्स विद फाइव थर्टी थर्टी यूनिट्स माने होता है जीरो यूनिट्स थ्री टेंस सो हम लोग थ्री को टेंस के कॉलम में कैरी ओवर ले जाएंगे देन सिक्स को हम लोग टू से मल्टीप्लाई करेंगे सो सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री होता है फिफ्टीन सो फिफ्टीन टेंस माने होता है वन हंड्रेड एंड फाइव टेंस सो फाइव को हम लोग टेंस के कॉलम में छोड़ देंगे और वन को हंड्रेड्स के कॉलम में कैरी ओवर ले जाएंगे सो so, हम कैरी ओवर ले गए सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई सिक्स विथ थ्री सिक्स थ्री ज़ा एटीन एटीन प्लस वन कैरी ओवर था सो वी गॉट नाइनटीन हीयर सो नाइनटीन हंड्रेड्स माने होता है वन थाउजेंड एंड नाइन हंड्रेड सो वी विल राइट नाइन इन टू हंड्रेड्स कॉलम एंड वन वी विल टेक कैरी ओवर टू थाउजेंड्स कॉलम सो वी द आंसर वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी सो द कॉस्ट ऑफ सिक्स कैरेट्स ऑफ एप्पल इज़ वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अमीना बाई विल पे वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी ऑल टूगेदर इस प्रकार से भी हम लोग उसको लिख सकते हैं किलोग्राम्स हाउ मच डू नाइनटीन सच सैक्स वेट यहां पर भी हमको सेम थिंग देखनी है क्या देखना है कि एक सैक uh, का वेट है फिफ्टी थ्री किलोग्राम्स एंड नाइनटीन सेक्स का कितना होगा वट इन्फॉर्मेशन इज गिवन हमको दिया है वेग ऑफ वन सेक फिफ्टी थ्री के जी एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्स दैट इज़ नाइनटीन सो वॉट इज आस्ट क्या पूछा गया है द टोटल वेट ऑफ सेक्स कितना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन वी विल मल्टीपाई फिफ्टी थ्री इंटू नाइनटीन सो मेथड यूज मल्टीप्लीकेशन हमको इसे भी वर्टिकली ही सॉल्व करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई नाइन विद द थ्री सो नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन हमारा आंसर आया ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी सेवन यूनिट्स माने होता है टू टेंस एंड सेवन यूनिट्स सो टू को टेंस के कॉलम में हम लोग कैरी ओवर ले जाएंगे और सेवन को यूनिट प्लेस में लिखेंगे देन वी विल मल्टीप्लाई नाइन विद द फाइव नाइन फाइव ज़ार फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव प्लस टू कैरी ओवर तो हम वी विल गॉट द आंसर फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन टेंस अभी ये फोर्टी सेवन टेंस है सो फोर्टी सेवन टेंस माने फोर हंड्रेड एंड सेवन टेंस सो वी विल राइट दिस फोर इन टू हंड्रेड कॉलम सो हमारा आंसर आया फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन देन वी विल पुट अ लाइन टू राइट द टेंस प्लस मल्टीप्लीकेट एट द एंड तो हमने यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई किया इसके लिए या जीरो लिखा देन वन थ्री झा वन थ्री झा वी गॉट द आंसर वन थ्री जी देन वी विल मल्टीप्लाई वन विद फाइव सो वन फाइव ज़ा फाइव सो वी विल राइट फाइव हियर देन वी विल एड दिस बोथ सो वी गॉट सेवेन जीरो सेवन सेवन प्लस थ्री होता है टेन सो टेन में से यहाँ जीरो लिखेंगे और वन को यहाँ कैरी ओवर ले जाएंगे तो वन प्लस फोर फाइव फाइव प्लस फाइव वी गॉट टेन सो तो टेन में से जीरो यहाँ लिखेंगे और वन को हम लोग कैरी ओवर ले जाएंगे सो तो वी गॉट द आंसर वन थाउजेंड एंड सेवन देयर फोर द दे टोटल वेट ऑफ नाइनटीन सेक्स ऑफ फीट इज़ वन थाउजेंड एंड सेवन किलो ये हमारा आंसर होगा नाउ वी विल लर्न टू मल्टीप्लाई थ्री डिजिट नंबर्स बाय टू डिजिट नंबर्स अभी थ्री डिजिट नंबर्स को टू डिजिट नंबर से किस प्रकार मल्टीप्लाई करते फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ बॉक्स देन वी विल मल्टीप्लाई हमको सेम प्रोसेस यहाँ इस्तेमाल करनी है टू को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे सो so, टू को फाइव से करने के बाद टू फाइव आर टेन सो टेन यूनिट्स मीन्स वन टेंस एंड जीरो सो वी विल राइट दिस वन इन टू टेंस कॉलम सो हमारा टेंस कॉलम में आया देन टू को टू से मल्टीप्लाई करना है देखो पहले हमने यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई किया फिर हम लोग टेंस प्लेस से करेंगे बाद में हम लोग हंड्रेड प्लेस से करेंगे टू टू जो फोर फोर प्लस वन वी गॉट फाइव देन वी विल मल्टीप्लाई टू विथ वन टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे सो so टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन जा टू नेक्स्ट हमको यहाँ पे कैरी ओवर के लिए एक लाइन खींच लेनी है और नीचे भी आंसर लिखने के लिए एक लाइन खींच लेनी है Then, five, five, देखो सबसे पहले तो हम लोग यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई हो गया इसके लिए जीरो देन फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव टेन्स माने होता है टू हंड्रेड्स एंड फाइव टेन सो टू को हम लोग हंड्रेड्स के कॉलम में ले जाएंगे सो so, ये आ गया हमारा कैरी ओवर इन हंड्रेड्स कॉलम देन फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव टू ज़ा टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व सो ट्वेल्व हंड्रेड्स माने होता है सो so, को हम hundred, के कॉलम में ले जाएंगे सो so, अभी हम इन दोनों आंसर एड करना है सो वी विल एड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इंटू सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी अब इन दोनों को हमें ऐड करना है जीरो प्लस जीरो फाइव प्लस फाइव हमारा आंसर आया टेन सो टेन में से यहाँ जीरो लिखेंगे वन को कैरी ओवर ले जाएंगे तो वन प्लस टू थ्री टू थ्री प्लस टू वी विकाउट द आंसर फाइव देन सिक्स में कुछ कैरी ओवर नहीं है इसके लिए हमारा आंसर आया सिक्स थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड सो इसी प्रकार से आपको बाकी भी ऐड करना है सो देअर फोर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी टू इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड सो लाइक दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई थ्री डिजिट नंबर्स बाय टू डिजिट नंबर्स तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और इसी प्रकार के सवाल आपको सॉल्व करने हैं थैंक यू